हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत दिनों से हमारे पीरियड लेट हो गए हैं, तो पीरियड लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और पीरियड नहीं आने के क्या रीजन हो सकते हैं, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि महिलाओं के पीरियड लेट होने के क्या क्या रीजन रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारण रहते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं रहता है। कम से कम किसी महिला को ये पता लगे कि मेरा पीरियड इस वजह से लेट हो रहा है तो वो उन चीजों को सुधारने की कोशिश करे, तो फिर आगे जाके उनके पीरियड रेगुलर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन तो रहता है कि अगर कोई भी महिला की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, हद से ज्यादा स्ट्रेस महिला ले रही है, तो भी पीरियड हमारे लेट हो जाते हैं। इसके बाद में दूसरा रीजन होता है कि अचानक से अगर आपने कोई भी फास्टिंग शुरू की है तो उसकी वजह से भी हमारे पीरियड लेट होते हैं। जैसे कि अभी रमजान चल रहे हैं तो बहुत सारे पेशेंट ओपीडी में आते हैं, मैडम पहले तो रेगुलर थे और अभी मेरे पीरियड अचानक से बहुत ज्यादा डिले हो गए हैं। तो ऐसे कि अचानक से कोई फास्टिंग हमने शुरू की, जैसे नवरात्रि हो गई, रमजान हो गया, ऐसे बहुत लंबे टाइम के लिए जो उपवास या फिर हम फास्टिंग जिसको बोल सकते हैं, अगर आप करते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है जिसके कारण पीरियड लेट होते हैं। इसके बाद में तीसरा कारण होता है कि कभी भी जब मौसम में बदलाव होता है, जैसे अभी प्रीवियसली हमारा मौसम चेंज हुआ है, सर्दियों से गर्मी आई है, तो ऐसे मौसम बदलने की वजह से भी हमारे पीरियड लेट होते हैं। इसके बाद में जैसे कि किसी महिला को प्रेगनेंसी का डर सता रहा है और ऐसे में महिला ने रिलेशन बना लिया और वो रिलेशन अनप्रोटेक्टेड हो गया, यानी कि बिना कोई सेफ्टी से रिलेशन आपने बना लिया है, तो महिला के मन में एक डर सा बैठ जाता है कि कहीं मेरा पीरियड तो लेट नहीं हो जाएगा, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाऊंगी, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मुझे सर्जरी तो नहीं करानी पड़ेगी, मैं तो इन सारी चीजों में जाना ही नहीं चाहती हूँ। तो ये अननेसेसरी तरह का जो एक तनाव रहता है, जो हम अंदर ही अंदर कुछ तो भी सोचते रहते, इसकी वजह से भी हमारे पीरियड लेट होते हैं। और कई बार हार्मोन इनबैलेंस की वजह से हमारे पीरियड लेट होते हैं। तो इतने बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमारे पीरियड लेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें टेंशन या जो अननेसेसरी तरह का तनाव है उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद में अगर आपका फास्टिंग शुरू हुआ अचानक से तो आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करिए, जैसे कि हम फरियाल कर ले या फिर हम जूस पी ले, लिक्विड ले सकते हैं, या फिर आप अपना फ्रूट्स ले सकते हैं। तो इस तरह से अपना पेट भर के रखिए ताकि आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ना हो, कमजोरी ना आए बॉडी में, उसके कारण हमारा पीरियड लेट ना हो। इसके बाद में अगर वेदर चेंज हो रहा है और आप काफी कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं तो नॉर्मल भी हूँ, खाना भी अच्छे से खा रही हूँ, फिर भी मेरा पीरियड लेट क्यों हो रहा है, तो ये हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है। हार्मोन इम्बैलेंस भी स्ट्रेस के कारण, मौसम में चेंजेस के कारण, या हम बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए, बहुत सारी दवाइयां खाई है, तो उसके कारण भी हमारा पीरियड डिले होता है। तो आपको बहुत ज्यादा अननेसेसरी तरीके की दवाइयां नहीं खाना है कि मेरा तो थोड़ा सा पेट दर्द हो रहा है तो मैं दवाई खा लेती हूँ, सिर दर्द हो रहा है तो मैं दवाई खा लेती हूँ, इस तरह की बहुत ज्यादा दवाइयों का उपयोग नहीं करना है। और आपको हमेशा खुश रहना है, लाइट एक्सरसाइज करना है और अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको बिल्कुल आपको अच्छे से सुधार के रखना है। बहुत ही ज्यादा मोबाइल का उपयोग नहीं करना है, बहुत लेट रात तक हमें जागना नहीं है, बहुत लेट मॉर्निंग में उठना नहीं है। जैसे हम नाइट में टाइम से सो गए, मॉर्निंग में टाइम से उठ गए, थोड़ी एक्सरसाइज की, अपने घर के जो भी अपने डेली रूटीन में जो भी वर्क है उनको कंप्लीट किए, और फिर उसके बाद में जो भी आपकी दिनचर्या रहती है उसको आप अच्छे से शुरू करिए। ऑफिस जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, बहुत सारे लेडीजों के तो काम लाइफ में कभी खत्म ही नहीं होते, इतने काम रहते हैं ना। तो जो भी आपका काम है उसमें आपको लग जाना है, फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अब ये सब करने के बाद भी अगर आपके पीरियड रेगुलर नहीं होते हैं तो यहाँ आपको अच्छे डॉक्टर का चुनाव करके डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर्स आपको क्या क्या दवाई दे सकते हैं, क्योंकि ये जो हमने अभी प्रीवियसली बातें की है ये तो हमारी लाइफ स्टाइल में हम ही सुधार कर सकते हैं, इसमें कोई डॉक्टर आपके लाइफ में चेंजेस नहीं कर सकता, ये सारी चीजें आपको ही करना और आपको ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये सब करने से भी आपके पीरियड रेगुलर नहीं होते या पीरियड नहीं आते हैं तो फिर हम कुछ जनरल मेडिसिन होती है जिनको देकर के आपके पीरियड ला सकते हैं।
जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मेडिसिन से मैं बता रही हूँ ये आपको सेल्फ यूज नहीं करना है। जब भी ले तो डॉक्टर की सलाह के बाद में ही ले, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बनाया गया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत रूरल एरिया रहते हैं या रिमोट एरिया रहते हैं जहाँ पे डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं है, तो फिर उन लोगों को कुछ तो नॉलेज मिले कि भाई हम क्या कर सकते हैं। कई सारे लोग केमिस्ट के पास चले जाते हैं कि हमारे पीरियड नहीं आ रहे, तो बहुत सारे केमिस्ट उल्टी पुल्टी दवाइयां दे देते हैं ताकि पेशेंट को ये समझ में आए कि मैं जो दवाई खा रही हूँ तो क्या मेरी दवाई सही है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम रेजिस्ट्रॉन CR-10 mg की टेबलेट देते हैं पेशेंट को 5 दिन के लिए। मान लीजिए कि आपका पीरियड 1.5 महीने या 2 महीने से नहीं आया, तो इसमें अगर आप 5 दिन भी रेजिस्ट्रॉन टेबलेट खाते हैं तो सफिशियंट रहती है। तो रेजिस्ट्रॉन CR-10 mg की एक स्ट्रिप देते हैं हम लोग, यानी कि एक पत्ते में 10 टेबलेट्स आती है। एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम को खाने के बाद में देते हैं, 5 दिन का कोर्स रहता है। इसके साथ में हम एम्प्रोटोन सिरप भी रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, क्योंकि ये जो रेजिस्ट्रॉन टेबलेट है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का एक सिंथेटिक रूप रहता है। जो कि होता क्या है, हमारी बॉडी में जब हमारे पीरियड आते हैं तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स रहता है उसका लेवल बढ़ता है। 14 दिन के बाद में, यानी कि जब हमारा ओवुलेशन फेज रहता है, तो एस्ट्रोजन कम होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगता है। पर जब हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल नहीं बढ़ता है या प्रोजेस्टेरोन का लेवल किसी कारण से कम हो जाता है, तो फिर हमारे पीरियड आना बंद हो जाते हैं। तो वो बिना प्रेगनेंसी से ही पीरियड आना बंद हो जाते हैं। जितने भी बार हम जांच करते हैं तो जांच हमारी नेगेटिव आती है। पेशेंट यही बोलता है, मैडम टेस्ट तो 4 बार कर लिया, नेगेटिव आ रहा है पर पीरियड नहीं आ रहे। तो यहाँ पे जो रेजिस्ट्रॉन टेबलेट है वो प्रोजेस्टेरोन का सिंथेटिक रूप रहता है। तो इसको हम 5 दिन तक देते हैं। और एम्प्रोटोन जो सीरप है ये भी हार्मोन को बैलेंस करने के लिए और पीरियड को जल्दी लाने में मदद करती है। तो एम्प्रोटोन सिरप भी आपको 10 ml सुबह, 10 ml शाम को लेना है खाने के बाद में। एम्प्रोटोन की एक बोतल आपको लेना है जो कि 10 दिन तक चलती है, और रेजिस्ट्रॉन टेबलेट 5 दिन में खत्म हो जाती है। टेबलेट खत्म होने के बाद में हम कम से कम 8 से 9 दिन वेट करने को बोलते हैं पेशेंट को कि दवाई खत्म होने के बाद 1 हफ्ता वेट करिए, आपका पीरियड आ जाएगा। जैसे इस प्रोसीजर को हम एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि आपने 15 अप्रैल को मेडिसिन शुरू की तो 20 अप्रैल को आपकी मेडिसिन खत्म हो जाएगी। तो मेडिसिन खत्म होने के बाद हम 1 वीक वेट करने को बोलते हैं, तो आपके पीरियड 25 या 26 अप्रैल तक आ जाएंगे। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास में बहुत सारी पेशेंट आती है, बोलती है मैडम मेप्रेट टेबलेट खाई मैंने पर मेरे पीरियड नहीं आए। जब हम उनसे पूछते हैं कि बेटा कितने दिन खाइए, मुझे तो 7 दिन हो गए। फिर हम उनसे पूछते कि दवाई खत्म हुए 7 दिन हुए या खाते खाते 7 दिन हुए, पेशेंट बोलती है अभी तो टेबलेट खत्म हुई 2 ही दिन हुए। तो इन सभी फीमेल्स को मैं यही कहना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से कि आप कोई भी टेबलेट ले, जैसे प्राइमोल्यूटेन हो गई, डेवरी, मेप्रेट, रेजिस्टोन, गाइनोसेट, इस तरह की बहुत सारी दवाइयां मार्केट में अवेलेबल होती है जो 5 mg और 10 mg की आती है। इन दवाइयों का जनरली सभी डॉक्टर 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के लिए इसका कोर्स देते हैं पीरियड लाने के लिए। तो जब भी ये कोई भी दवाई खत्म होती है तो दवाई खत्म होने के बाद में 7 से 8 दिन हम लोग इंतजार करवाते हैं। पेशेंट डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट लेती है पर कई बार डॉक्टर बताना भूल जाते हैं, या फिर डॉक्टर के पास में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है तो उतना ध्यान नहीं दे पाते, या फिर वो प्रिस्क्रिप्शन पे लिख देते हैं कि दवाई खत्म होने के बाद इतना वेट करो, पर पेशेंट को तो समझ में नहीं आता कि उस पर क्या लिखा है, मेडिकल वाला पेशेंट को बताता नहीं है। तो पेशेंट के बीच में जो एक प्रॉब्लम खड़ी होती है वो ये होती है कि पेशेंट को तो प्रॉपर नॉलेज नहीं है, डॉक्टर ने बताया नहीं, मेडिकल वाले ने भी नहीं बताया, तो फिर पेशेंट इधर उधर परेशान होता रहता है। फिर वो बहुत सारी चीजें सर्च करता है कि दवाई खत्म होने के बाद पीरियड कब आता है। तो जनरली कोई भी हार्मोनल ट्रीटमेंट हम देते हैं तो दवाई खत्म होने के बाद 1 हफ्ता वेट करना चाहिए। उस 1 हफ्ते में जब हम वेट करेंगे तो आपके पीरियड आ जाएंगे। अगर मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने 1 वीक वेट किया तो भी हमारे पीरियड नहीं आए, तो फिर आपको 1 वीक वेट करने से 2-3 दिन के बाद में, यानी कि 9वें-10वें दिन पर आपको दोबारा से प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अर्ली स्टेज में हम चेक करते हैं तो टेस्ट नेगेटिव आता है, और जब ये मेडिसिन से लेने के बाद में काफी टाइम हो जाता है, 10-15 दिन ऊपर हो जाते हैं, तब हमारा टेस्ट पॉजिटिव आने लगता है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता पाई हूँ कि पीरियड लेट होने के क्या कारण रहते हैं और इस कारण को हम डॉक्टर से मिलकर कैसे सुधार सकते हैं। धन्यवाद।